अपनी गाड़ी की लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है भाई। ये देखो शैम्पू वगैरह डाल के इन्होंने धोना चालू कर दिया है। भाई साहब एक्सीडेंट तो बहुत देखे मैंने, ऐसा एक्सीडेंट पहली बार देखा है भाई। ये गैस का कैप्सूल रहता है ना, गैस का बड़ा वाला ट्रक टैंकर, वो 10 साल की ड्राइवरी में पहली बार छिपकली देखी है भाई गाड़ी के अंदर, देख रहे हो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं DSV ट्रांसपोर्ट कंपनी नांदेड़। तो ये अपने ग्वालियर मुरैना के रहने वाले हैं महेश भाई, इनकी ट्रांसपोर्ट है। और नांदेड़ में हमें कल खाली करी थी और आज हमारे को दूसरा दिन है, शाम हो गई है। अभी जाके एक प्रोग्राम बुलाया यूपी का, तो भाई केला बुलाया, इतना पता है कि केला है, लेकिन ये नहीं पता कि किधर का लोड है, क्या रेट है। जब गाड़ी लोड हो जाएगी ना, उसके बाद में लोड के बाद पेपर मिलता है, तब पता लगती है ये रेट लगी है और कहाँ का है। तो भाई ये एक HP का पंप है पीछे और ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहीं पर। और फिर कल लोड करने जाएंगे सुबह 5 बजे, तो शूट नहीं कर पाते क्योंकि अंधेरा रहता है, तो मैंने अभी शूट कर दिया है। तो भाई आपको खेत में जाके मिलता हूँ और ये वीडियो होने वाली ज़्यादा मज़ेदार क्योंकि मैं अकेला हूँ। देखते हैं मंडी लगती है नहीं लगती है, ठीक है, देखते रहो भाई। यहाँ से 1300-1400 किलोमीटर सफ़र है, देखेंगे अकेले पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। तो भाई सुबह के 6 बज चुके हैं और हम पहुँच गए अर्धापुर। ये अर्धापुर छोटा सा कस्बा है और पीछे देख सकते हैं यूनिस फ्रूट कंपनी, यहाँ पर से लेबर बैठेगी, यहाँ से लोड करने जाएंगे। तो भाई निकला है अर्धापुर से और हमारे लोग बैठे हुए हैं भाई। केला भरने की यही सबसे बड़ी दिक्कत, अब क्यों दिक्कत है वो मैं आगे बताऊंगा। दिक्कत क्यों है कि कोई मूली के पराठे खा के आया, कोई कुछ खा के आया, तो तुम समझ सकते हो भाई यही होता है। तो भाई पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ से हमें गाड़ी लोड करनी है और हम नांदेड़ से ना भाई 60 किलोमीटर आ चुके हैं आउट रोड पे। भाई सामने देख लो, ये यही खेत है जिसमें से गाड़ी लोड होगा, और ये खड़ी अपनी गाड़ी, ठीक है। और ये रोड जाता है भाई हिंगोली और ये जाता है भाई जालना। तो दोस्तों केले के पत्ते जो होते हैं वो डलना चालू हो चुके हैं और ये देखो गागर से पानी लेके आ रहा है, वहाँ से सामने वो भर रहा है ना पानी मोटर चला के, और ये पानी ऊपर भरेंगे इसमें टब में। तो दोस्तों गाड़ी तो लोड हो रही है अपनी और मैं केले के खेत में आ चुका हूँ क्योंकि सुबह सुबह भूख भी लग रही है भाई, खाना तो बनाऊंगा बाद में, अकेला भी हूँ। तो यहाँ का इसलिए भी आया हूँ मैं अंदर देखने के, यहाँ का केला टेस्टी होता है नहीं होता है, सावदा का अच्छा है यहाँ का अच्छा है। भाई सामने ही अपने ये पेड़ टूट गया है तो इसका देखते हैं पका हुआ है, एक आध कोई निकलता है तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ के और सावदा का केला का स्वाद एक ही है, स्वाद जो रहता है खाने में एक ही है, अलग नहीं है ना, एक ही है, अच्छा स्वाद है। भूख भी लग रही है तो कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भाई लोडिंग अपनी चालू हो चुकी है और इसमें कटिंग लोड हो रही है अब की बार भी पहले की तरह, देख रहे हो काट काट के। तो ये ऊपर से दिखाऊंगा एक बार मैं, तो इस तरह से लोड हो रही है, ये सामने से काट काट के टैंक में डाल रहे हैं, उसमें टैंक में होता है फिटकरी और शैम्पू और एक दवाई होती है केले को पकाने वाली। तो दोस्तों गाड़ी तो अपनी लोड हो ही रही है, इतने बीच मैंने सोचा खाना बना लेते क्योंकि खेतों में तो यहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं। तो भाई ये अपनी दाल वाल ने रख दी है मैंने, देख सकते हैं मूंग का दाल है ये, मूंग जो मेरे पास पड़ा था वही बना दिया। और ये रोटी जब तक दाल उबली है उतने में मैंने आटा लगा करके रोटी भी बेल के रख ली क्योंकि भाई बेलने वाला मेरे पास कोई है नहीं, अकेला हूँ, तो बेल के बेल ही रख लिया कि सेकने में कोई दिक्कत ना आए। तो भाई अभी हमें फिर कितना लेट हो जाएगा, शाम हो जाएगा, तो इसलिए दोनों टाइम का बना लिया हूँ। और आगे दूसरे खेत में जाएंगे लोड करने के लिए, क्या पता कितना लेट गाड़ी निकलेगा। तो भाई पहले फिर मैं खाना बना के खा लेता हूँ, फिर दूसरे खेत पर आपको दिखाता हूँ किस तरह लोड होगी या किस तरह हम जाएंगे, क्या दिक्कतें आती है, ठीक है। तो खाना तो अपना बन चुका है, अब हम खाना खाने की बारी है। तो जब गाड़ी बाजी सीखी थी खाना बनाना उसी टाइम सीख लिया था, लेकिन जब से शादी हुई है, जब से नहीं पता था घरवाली को कि खाना हम बना लेते हैं, लेकिन जब से वीडियो बनाना चालू किया है ना, उन्हें पता लग गया है कि खाना बना लेते हैं। तो क्या जरा भी सिर में दर्द हो या नहीं भी हो, कभी मन नहीं है कि भाई खाना नहीं बनाना मुझे, अरे मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, आज आप ही खाना बना दो, तो ये क्या बात हुई, ये बढ़िया हमने बेंचो वीडियो बनाना चालू कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ हमारे को वीडियो बनाने से, भाई हमें तो और नुकसान हो रहा है भाई। शादी करने का फायदा ही क्या हुआ, कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, बार बार रहते हैं, सब्जी खाना खुद बना के बनाना पड़ रहा है, बच्चों के लिए केवल कमा के भी ले जाना पड़ रहा है, बताइए, छोड़ो कुछ भी नहीं रखा इन बातों में। और भाई हमारी घरवाली और रिश्तेदार भी वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए माफ़ी, कोई बात नहीं है भाई। तो दोस्तों दूसरी जगह लोडिंग के लिए जा रहा था और रास्ते में देखिए ये लाइन पड़ी है, बिजली की तार हैं और आप देख सकते हैं किस तरह इसको डंडे से ऊपर उठा रहा है वो,
तो देखिए रास्ते देखिए आप कैसे रस्तों पर गाड़ियाँ जाती हैं, अभी तो आगे दिखाऊंगा। ये देखिए जहाँ बग्घी भी नहीं जाएगी भाई, बैलगाड़ी भी नहीं जाए, वहाँ जाती है बड़ी बड़ी गाड़ी। और ये दूसरा बगान है जहाँ हम लोड करने आए, देख सकते हैं उधर से कितनी आधी भी भर के नहीं ले गए, पूरा इधर से भरा जाएगा। तो भाई मेरा मन नहीं करता केला भरने के लिए, क्यों नहीं करता कि ये देखो पहले आप छिपकली देख रहे हो, कभी छिपकली गुज जाती है खेतों में से, कभी कीड़े गुज जाते हैं, कभी कुछ गुज जाता है भाई, ऐसा ही होता है यार। तो दोस्तों गाड़ी हो चुकी है अपनी लोड और थोड़ा सामान रह गया है जो नीचे पड़ा है, फिर चलते हैं ऊपर क्योंकि सत्रपल करने हैं और इस पर पड़ेंगे पहले पत्ते। और ये खेत देखो कितने बड़े खेत हैं, यहाँ पे एक ही खेत से चार गाड़ियाँ लोड हो सकती हैं भाई। रस्से तरपाल कर लिए हैं, टंकी वंकी इन्होंने लटका दी अपनी जो पानी भरते हैं इसमें, चलते हैं फिर निकलते हैं भाई। पेपर वेपर मिल गए हैं, बोला था रोड अच्छे पे लेके चलना, और ज़्यादा गंदे रोड पे लेके आ गए ये लोग। तो भाई मिलते हैं फिर सुबह आपको, ठीक है। तो दोस्तों रोज की तरह हो गई है सुबह और हम पहुँच चुके हैं नागपुर पार करके खवासा बॉर्डर, यहाँ लगा हुआ है जाम, यहाँ तो हर बार ही लगता है भाई, आजकल क्या है। तो तिरपाल रस्सा जब तक किए थे ना, जब तक हो गई थी शाम और जब तक कांटा वाटा कराया और अर्धापुर नादेड़ पहुँचे जब तक हो गई थी रात, तो ट्रांसपोर्ट वाला चला गया अपने घर। तो भाई वो अपने घर चला गया तो उसमें हमें बिल्टी नहीं मिल पाई, तो हम बिना बिल्टी के यहाँ तक आ गए। तो अभी उसको फ़ोन किया है, बिल्टी डालेगा वो व्हाट्सअप पर। तो हमारा माल जो है वो बुलंदशहर का है और 50,000 10 टन का रेट लगा हुआ है, तो 16 टन हमारे में वजन आया है पत्ती काट के, तो आप अनुमान लगा सकते हो कितना भाड़ा बनेगा। तो भाई सारी रात होगी गाड़ी चलाते चलाते मुझे, तब जाके 400 किलोमीटर पार किया है नागपुर, और अभी देखते हैं कब तक नींद नहीं आती है, अगर नींद आ गई तो फिर मंडी फेल हो जाएगी और सोना भी ज़रूरी है। तो देखेंगे भाई कैसे मंडी लगेगी, क्या होगा, अकेला हूँ, देखता हूँ। कभी कभी मन में आता है कि 8 घंटे भारी पड़ जाते थे स्कूल में और आज 24 घंटे 36 घंटे 40 घंटे ड्यूटी निभा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हो। तो भाई पहले इस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, बहुत सारा लंबा जाम लगा हुआ है, फिर आपको दिखाते हैं कि मंडी लगती नहीं लगती। भाई ब्लॉग में बने रहे, बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है, बहुत तगड़ा जाम है भाई साहब। एक्सीडेंट तो बहुत देखे मैंने, ऐसा एक्सीडेंट पहली बार देखा है भाई। ये गैस का कैप्सूल रहता है ना, गैस का बड़ा वाला ट्रक टैंकर, वो फटाए देखो आग जल के, परकच्चे उड़ गए, परकच्चे ये दमकल की मशीनें कहें देख रहे हो। तो दोस्तों 3:30 बज चुके हैं और हम आगरा टोल पहुंच गए हैं भाई, बाईपास का टोल है देख लो, और मेरी आवाज़ तक बैठ गई है। तो भाई गाड़ी चलाते चलाते इतनी हालत ख़राब हो गई है, 2 दिन हो गए भाई, नहाना तो मिला नहीं है क्योंकि मैं चलता ही रहा हूँ, रुका नहीं हूँ। और हमारा माल ना बुलंदशहर की जगह पर अब शामली जाएगा, शामली उत्तर प्रदेश। तो भाई पहुँचते थे शामली, घर पर रुकना नहीं है, सीधा ही जाना है क्योंकि लेट हो रहे हैं, यहाँ से भी 350 किलोमीटर है, निकलते हैं भाई यहाँ से। भाई पहुंच गया हूँ शामली और देखो गाड़ी खाली होने लग चुकी है, और ये इन्होंने अपनी कोठी में ही बना रखा है नीचे खाली करने का जुगाड़। अंदर दिखा देता हूँ, ये रूम से दिख रहा है ना आप, चैम्बर से बना रखे हैं ऐसे, पीछे हैं, पीछे देखो पीछे। ये रेडी वाले भी खड़े हैं केले खरीदने वाले, और ये साइड में ये रूम है, इनमें ही खाली करते हैं। दोस्तों अपना बन गया बैगन मसाला, दिखा देता हूँ मैं आपको देखो, और यहीं पेड़ों के नीचे आराम से बैठ के बना रहे हैं, ठीक है। अभी तो और भी बचे हमारे पास बैगन जो है, ये बहुत सारे बैगन बचे हुए हैं, मिर्ची टमाटर सब यहीं से तोड़ा हुआ है, पीछे देख लो पूरा बगीचा बना रखा है इन्होंने, यहीं से तोड़ के यहीं बना रहे हैं। भाई फिर अब खाना, तो अब रोटी बनाने की बारी है, तो मैं रोटी बना लेता हूँ जब तक। भाई गाड़ी तो अपनी खाली हो गई देख सकते हैं, और पत्ती वत्ती सब फेंक के आ गए हम, थोड़ा सा जो कबाड़ा बचा था वो यहाँ झाड़ू मार दी गाड़ी के अंदर। तो भाई वीडियो के शुरू में मैंने दिखाया था कि जिस ट्रांसपोर्ट से हम भर के लाएँ, आप कभी उस ट्रांसपोर्ट से गाड़ी ना भरें, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, काम भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक करके बता दो, और मैं रास्ते में अकेला था इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और बना नहीं पाया ज़्यादा, तो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो अच्छी है कि बुरी है, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो अभी हम शामली में ही खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब कल निकलेंगे हम भरने के लिए, आज संडे है, तो आपको अगला ब्लॉग दे देंगे जहाँ भरने जाएंगे, ठीक है। तो सभी के लिए प्यारी सी राधे राधे।